కందుకోట్ మే హాస్పిటల్ లగ్తే గాడి హత్యార్ బందన తా టాక్సీ డ్రైవర్ కతల్ పోస్ట్మార్టం బాద్ లాష్ వార్సన్ హవాలే రిపోర్ట్ అబ్దుల్ ఖాలిక్ చాచర్ ముతాబిక్ గోస్పర్ లగ్ కచ్చే జిలా కి నూర్ షాజి గోట్ గాజీ తే గాడి మే తే గాడి బ్రాదరీ జి హత్యార్ బందన ఫైరింగ్ కరే టాక్సీ డ్రైవర్ లాయక్ ఉమ్రాని గోలీ లగన్ కరే థరే తే ఈ ఫోత్ థీ వేజరే తా హత్యార్ బందన వాకే వారే హంద తా ఫరార్ థీ వయా ఔర్ ఏడే వాకే జో ఇత్లా హద్ జి పులిస్ కే దినా వయా తా పులిస్ పోచీ లాష్ హత్ కరే పోస్ట్మార్టం లా అస్పతాల్ ఆందు పోస్ట్మార్టం బాద్ లాష్ వార్సన్ హవాలే కయో వయో ఘర్ పోచణ తే ఘర్ మే కోరామ్ మచీ వయో బాకే జో కేస్ దాఖిల్ నా थी सकियो आए न वरी गिरफ्तारी अमल में अची सकी आए। शेख बिरकियो में गोट मूसा खान पिताफी के रहवासी जामिन अली पिताफी पेंजी 18 साल की न्याणी उम्मे फरवा की शादी रजा खुशी से गोट सुहारो खोकर के रहवासी मोहम्मद जुमन खोकर से कराई। उहे जै त गोट जा कुछ बासर घर ते हमलो करे घर के बाह डई छी। अचो तो इन हवाले से शेख बिरकियो मां आशिक अली थईम जी ही रिपोर्ट दिसौं था। मुझी सस थी उन रात ढो मारे उनकी बाह भंगी छी सर इन मे जानी माली खतरो है मेहरबानी कर अपील था क्यों गवर्नमेंट के असाके तहफुज दिनो वने तो निकाह थी वा असा जी थी कडे थी निकाह जो कल टियो दिन आज हां टियो दिन ता खुश है शादी मा के निकाह कोड असी दी मुजो लालच कोना मके चई 2 लाख वठी आ चिन वठ 2 लाख वठ मुजो चा वटा बच्चा जी हूं कोन वठ न मके मुजी पोटी है सदा खुश मुंडी नी है पाण मुंडी है एसएससी टंडो अलहर का सिंध गवर्नमेंट का मुतालबो इंसाफ करे तोहफे फराम कैमरामैन एडी शाणी आशिक अली दम न्यूज शेख हैदराबाद कासमाबाद फेज 2 वाले इलाके में हाईकोर्ट के हुक्म ते गैर कानूनी घर अरावतों के हटाने लाए एसी कासमाबाद फिदा हुसैन शोर एचडीए कासमाबाद अमलो एसपी हेडक्वार्टर जुल्कार जदारी की अगवाणी में पौता तो मशहूर मानून पुलिस मथा पथराव कर दिनो एक डीएसपी समेत टे हलकार जख्मी पुलिस पारा मानून मथा लाठीचार्ज कई वही केतर गाड़ी जो नुकसान पिण थो है। अचो तो इन हवाले से हैदराबाद में दिसूं तो गुलाम हुसैन चांडियो जी हैदराबाद कासमाबाद वाले इलाके फेज 2 में हाईकोर्ट के हुक्म ते असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद फिदा हुसैन शोरो की अगवाणी में एसपी हेडक्वार्टर जुल्फकार जरदारी एचडीए अमलो जैमल उत पहतो है तो उन्हें मथा मछरियल मानून हमलो कयो। हमले में एक डीएसपी से गड टे एहलकार जख्मी थे केतरन ही गाडियन के पिण नुकसान थो है। इतों के मछरियल मानून यो भी बुधायो तो पुलिस तरफा भी असा मथा लाठीचार्ज कई वही है जैमें केतरा ही असा मासूम बार औरतुन मथा लाठीचार्ज कई वही नफरी हमलो किया अस उन कुरान दिना गंदी रखी बाबा अल्लाह कुरान मो अ मोहलत दी वे अस अज सही तमाम लाठीचार्ज कई है डायरेक्टर एसपी साहब हो या डीएसपी आ ये सब इन टोटल डीएसपी घन बिन टिन तहलकन की पुलिस भी जिन अस मदा लाठी चार्ज मुख्य जीसी कमिश्नर सही हणी दिनी मसलो हल सी वो अस वेही रहा बिजली पहाड़ियों सुई गया तो सब ये एक्चुअली सेंट्रल पार्क है कासिमाबाद में फेज 2 है और इस पे कब्जा किया हुआ है लोगों ने उन्होंने अपने घर बनाए हुए अभी हमने जो एक्शन लिया ये एक्चुअली सेंट्रल पार्क है कासिमाबाद में फेज 2 है और इस पे कब्जा किया हुआ है लोगों ने उन्होंने अपने घर बनाए हुए अभी हमने जो एक्शन लिया है हम तो मोहन के लिए आए हैं अपना एचडीआर के साथ एसडीएम साहब भी हमारे साथ है ये सिंध हाई कोर्ट ने हमें हुक्म दिया है हम मोहन के लिए आए थे और मजामत का सामना करना पड़ा क्योंकि हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते थे जिससे आवाम का कोई नुकसान ना हो सो इंशाल्लाह कल तक आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। आपके पुलिस अधिकारी हमारे 4 जवान जख्मी हुए उनमें एक डीएसपी भी शामिल है डीएसपी कासिमाबाद वहाँ पे हमने पहले भी एचडीए के थ्रू नोटिस वगैरह उनको दिलवाए थे और उनकी सीपी वगैरह भी चल रही थी वो कोर्ट ने डिस्चार्ज करके ऑर्डर्स किए कि ये रिमूव कराएं इनक्रोचमेंट तो आज जैसे ही हम गए थे वहाँ पे तो कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया तो एसपी हेडक्वार्टर साहब भी खुद वहाँ पे पहुँच गए अपने फोर्स के साथ और उनसे बातचीत की उनको समझाया कि भाई ये देखें आपने इनक्रोचमेंट की है आप इसको रिमूव करें और इसको खाली कर दें अच्छी बात है लेकिन उन्होंने रेजिस्ट किया और उन्होंने देश में आके पुलिस अफसरान पे पथराव किया हमारे ऊपर सबके ऊपर पथराव किया
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की आगे उनको, क्योंकि नुकसान होने का अंदेशा था। इसने पुलिस ने दूरंदेशी का मुजाहरा करते हुए कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया ताकि कोई आगे बड़ा नुकसान न हो। असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद फिदाउस हुसैन शोरे चयो त हाईकोर्ट जे हुकुम ते अमल कंदासीं ऐं कंहिं बि कब्ज़ा माफ़िया खे बर्दाश्त न कंदासीं।